बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहम खबर आपको क्या कर रहे हैं। पंजशीर बिला तकल्लुफ फतह हो गया है। जो अहमद शाह मसूद हैं वो भाग चुके हैं अफगानिस्तान से पंजशीर को छोड़कर। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है। इंडियन के जो जनरल बख्शी हैं वो बुखला गए हैं, इंडियन मीडिया बुखला गया है। उस दिन से इंडियन मीडिया जो है वो खुशियों से बाज नहीं आ रहा था कि हमारा एक जो है वो अहमद शाह मसूद जो आखिरी कांटा है उसको सपोर्ट कर रहे थे कि अहमद शाह मसूद ऐसे है, अहमद शाह मसूद वैसे है, अहमद शाह मसूद छोड़ेगा नहीं तालिबान को। इतने तालिबान मार दिए, 200 तालिबान मार दिए, और वो तो भगोड़ा साबित हुआ। वो तो पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो साबित हुआ। अहमद शाह मसूद वो पढ़ा लिखा है, वो जंग नहीं लड़ सकता। तो सबसे पहले आपको एक क्लिप सुनाएंगे इंडिया का, तो सबसे पहले वो एक क्लिप सुनेगा, फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट किस तरह बात जाती है। बहुत मज़ा आएगा। आपको मज़ा ना आए तो बात कीजिएगा। पहले जनरल बख्शी का क्लिप सुनेगा, सबसे पहले बड़ा मज़ेदार चाहिए सर। अब सबको दिख रहा है कि विश्व में कहीं भी आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाएं हो उसका सीधा सीधा लिंक पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आता है। देखिए साहब, अमेरिका ने रूस के ऊपर कड़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई है इस इल्जाम पर कि उन्होंने अपनी फौजें सिविल ड्रेस में भेजी हैं यूक्रेन के अंदर। अगर ये रूस के खिलाफ किया जा सकता है तो शरेआम पाकिस्तान की फौज वहां पे हस्ताक्षेप कर रही है। तालिबान ने जब शुरू शुरू के हमले किए जो ताजिक के ऊपर पंजशीर में, उनको ब्लडी नोज मिला। फिर उन्होंने गुहार लगाई बाजवा साहब को कि आप हेल्प करिए, दो एसएसजी बटालियंस फाइट कर रही है। और अगर ये जो सारे क्लेम्स कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ सिवाज साहब से। पहाड़ों की लड़ाई में वैली पे घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोनों हाइट साइड की ताजिक लड़ाकों के पास है, कब भी नीचे आके इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं ऊपर से एम्बुश करके। ये बिल्कुल कारगिल के पहाड़ है। हमारी सड़कें, हमारी रोड खुली थी, जा रहे थे हमारे ट्रक्स, जबकि पाकिस्तानी ऊपर बैठे थे। ठीक है जी, पहाड़ की लड़ाई में आपको हाइट्स पकड़नी होती है। हाइट सब ताजिक्स के पास है, पंजशीर के पास है। और देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, जो खबरें आ रही हैं मिर्जा साहब के जरिए, उसके मुताबिक पाकिस्तान का 11 कोर रीइंफोर्समेंट्स भेज रहा है पंजशीर की तरफ। नंबर एक, वो वहां पे एक तीसरी एसएसजी बटालियन, अभी तक दो थी वहां, तीसरी भेज रहे हैं। एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कमांडो बटालियन जा रही है जी। तीन और एनएलआई की बटालियंस को तैयार कर दिया गया है। दो तो लंडी कोटल पहुंच चुकी है लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए। एक रेजिमेंट आर्टिलरी भेजी जा रही है। अगर आप लड़ाई जीत रहे हैं तो क्या आप वहां पे रीइंफोर्समेंट्स भेजेंगे? बड़ी बात कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं लड़ाई पांच दिन से आप लड़ाई